सरकार एक बड़ी बैठक करने वाले हैं 12 सांसदों के साथ। आज उनकी ये बैठक होनी है, अपने जीते हुए सांसदों के साथ वो बैठक करेंगे। शपथ ग्रहण तक दिल्ली में ही रहेंगे नीतीश कुमार, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि अब दिल्ली में ही ज्यादातर नेताओं का जमावड़ा लग चुका है। जो एनडीए के पार्टनर्स हैं या फिर इंडिया अलायंस के सहयोगी हैं, सभी दिल्ली में फिलहाल डेरा डाले हुए हैं। जो बड़ी खबर है नीतीश कुमार को लेकर वो ये कि अपने सभी 12 सांसदों के साथ वो बैठक करेंगे और शपथ ग्रहण तक वो यहीं रहेंगे। अब ये देखिए फॉर्मूला क्या है मंत्रियों का, 4 सांसद पर 1 कैबिनेट मंत्री, टीडीपी के 16 है तो 3 कैबिनेट, 2 राज्य मंत्री पद की मांग है इनकी। अब जेडीयू के 12 सांसद हैं, 3 कैबिनेट, 1 या 2 राज्य मंत्री पद की इनकी मांग है। 4 सांसद पर कहा जा रहा है कि यह फॉर्मूला बैठ रहा है 1 कैबिनेट मंत्री। अब शिवसेना शिंदे गुट में देखिए 2 कैबिनेट मंत्री पद की मांग कर दी गई है, क्योंकि साहब इनका कहना है कि हमारे 7 सांसद हैं। एलजेपीआर चिराग पासवान के 5 सांसद जीत करके आए, ये भी चाहते हैं कि कम से कम 2 कैबिनेट मंत्री का पद उनको मिले। आरएलडी से 2 सांसद जीते हैं, 1 कैबिनेट मंत्री पद की इनको भी उम्मीद है। इनके अलावा देखिए जीतन राम मांझी ये जीत कर आए हैं, 1 ही संख्या है और ये चाहते हैं कि उसके लिहाज से हमें भी कैबिनेट मंत्री का पद मिले। अपना दल ये हालांकि पहले भी केंद्र में रही है, अनुप्रिया पटेल चाहती हैं कि उनको फिर से लाया जाए कैबिनेट में। एनसीपी अजीत पवार गुट के 1 सांसद हैं, चाहते हैं कि इनको भी जगह मिले। यानी जितने भी सहयोगी हैं जो जीत कर आए हैं लगभग सभी ने अपनी डिमांड रख दी है। धनंजय गिरी जी, इस पर तो हमने बात कर ली, आपने कहा कि वो मिल बैठ करके हम तय कर लेंगे किसको क्या देना है नहीं देना है, लेकिन इससे पहले जो हमने खबर देखी साध्वी निरंजन ज्योति कह रही हैं भीतरघात, मतलब इतना बड़ा भीतरघात हो गया उत्तर प्रदेश में कि बीजेपी सीधे हाफ हो गई। किसने किया भीतरघात, क्यों किया? देखिए ये तो निरंजन ज्योति ने बताया है, तो केंद्रीय नेतृत्व को अपनी बातें बताएंगी कि कहां से हुआ क्या हुआ, और केंद्रीय नेतृत्व उस पर समग्र विचार करके उस पर निर्णय लिया जाएगा। वो मेरे स्तर की बात नहीं है, वो जो बताएंगे केंद्रीय नेतृत्व को। हमारे यहाँ संगठन का स्ट्रक्चर बहुत विराट है और भारतीय जनता पार्टी भारत का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, तो वो बातें निकल करके आएंगी, छन करके आएंगे, उस पर विचार होगा, मंथन होगा। चलिए वो समीक्षा होगी, वो मंथन होगा कहां क्या हुआ। लेकिन आपने संजय राउत का बयान सुना, संजय राउत कह रहे हैं एक तो सरकार बनेगी नहीं, बन गई तो चलेगी नहीं। संजय राउत के बयान ही डायलेक्ट है ना, वो दो बातें कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं बनेगी नहीं, दूसरी बात कह रहे हैं कि बनेगी तो चलेगी नहीं, और तीसरा भी कह देते कि चलेगी तो रुकेगी नहीं, ये भी एक लाइन छूट गया उनसे, ये भी कह देते। कितना कंफ्यूज है ये लोग, इससे अंदाजा लगाइए। हमारे यहाँ कहावत है कि यही आस लटके रहे कबो बसंत ऋतु आए, ये तो कल के बैठक में इन लोगों ने कह दिया कि हम लटके रहेंगे इस अपेक्षा में कि कभी तो बसंत ऋतु आएगी, वो घड़ी कभी तो आएगी, वो सुबह कभी, वो कभी कभी घड़ी नहीं आएगी। ये सरकार मजबूत सरकार है, मजबूती से चलेगी, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे नायडू हो, सबकी चेतना के केंद्र में नेशन है, राष्ट्र है, राष्ट्र सर्वोपरि, तीनों में एक चीज कॉमन है कि जीरो टॉलरेंस, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स, भारत को आगे ले जाने की नकारात्मक राजनीति तीनों में से किसी ने नहीं की है, इसलिए हम सकारात्मक राजनीति को बढ़ावा देंगे। और जो हमारे साथी कर रहे थे, और हम क्या बताएं कि कांग्रेस चालू पार्टी है, वोट मत देना तो ये चिरकुट है। अच्छा एक बात बताइएगा, चिरकुट वाले लोग हैं धनंजय जी, एक बात बताइएगा। अब देखिए अब ये बात तो आप भी ईमानदारी से मान रहे हैं कि अब सहयोगी दलों के बैसाखी के सहारे आपको चलना है, अब क्या होगा कास्ट सेंसस का, जातीय जनगणना का, बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा, ये मांग काफी पुरानी है, आंध्र प्रदेश में भी मांगा जा रहा है, तो क्या इन दोनों राज्यों को केंद्र की तरफ से विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? जातीय जनगणना पर अब स्टैंड क्या होगा वो भी बता दीजिए। देखिए प्रतिनिधि ऐसा है ना कि क्या मांगा जा रहा है और क्या दिया जा रहा है ये टीवी चैनलों पर तय नहीं होता है, बैठेंगे बातें करेंगे, बात करके चीजें तय होती है। दूसरी बात, अपेक्षाओं का होना कोई अपराध नहीं है, कोई भी दल अगर अपेक्षाएं महत्वाकांक्षा राज्य के लिए, इसके बिना तो फिर दुनिया ही नहीं चलती है। अपेक्षाओं का होना कोई अपराध नहीं है, अभिषेक जी का होना कोई अपराध नहीं, और अपेक्षा नीच की नहीं है, महत्वाकांक्षाएं अच्छी चीज है। अब ये बताइए जातीय जनगणना, जातीय जनगणना विशेष राज्य का दर्जा ये मांग छोड़ देगी क्या बीजेपी जेडीयू? छोड़ देंगे हम इस मांग को, आपने देखा है कि अलग अलग कालखंड में हमने हर प्लेटफॉर्म पर इस मांग को उठाया। हम जब सत्ता में भागीदार होते हैं, सहयोगी होते हैं, तब भी उठाते हैं, विपक्ष में होते हैं तब भी उठाते हैं। केंद्र की सरकार ने नहीं कराया, बिहार में हमने कराकर बिहार का एक मॉडल पेश किया आरक्षण के। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब तो केंद्र में भी आपकी भागीदारी हो रही है, अब तो केंद्र में भी भागीदारी हो रही है, तो केंद्र में भागीदारी होने के बाद जेडीयू बिहार के लोगों से क्या कहेगी?
कि हमने राज्य स्तरीय तो करा दिया, केंद्र में कब करवाएंगे? नहीं कराएंगे ना, देखिए पॉलिटिक्स में कोई टाइम फ्रेम नहीं होता और कोई ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स हम नहीं करते हैं। हम ये समझते हैं कि अपनी मांग को हम लगातार उठाते रहेंगे। आपने देखा कि किस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत या अन्य आंदोलन के माध्यम से जब गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता चुनकर देश को आजादी दिला दी, तो फिर हम क्यों नहीं इस मांग को मनवाएंगे और इस चीज का क्रियान्वयन क्यों नहीं करेंगे? बिहार को बिहार का हक मिले, विशेष राज्य का दर्जा मिले। घनश्याम जी, घनश्याम जी, मतलब जो इंडिया अलायंस कह रहा था, भले आपके साथ नीतीश बाबू नहीं आए, चंद्रबाबू नायडू नहीं आए, लेकिन वो एनडीए में रहकर आप ही लोगों की डिमांड को आगे बढ़ाएंगे। देखिए प्रत्युष जी, बिहार से जो चुनाव के प्रचार की जो तस्वीरें आई, उसमें सबसे दुखद तस्वीर वो थी जब नीतीश कुमार जी कमल का वो जो जो इन्होंने एक खिलौना बनाया था, नरेंद्र मोदी जी खड़े थे और नीतीश कुमार जी उस कमल के खिलौने को लेकर खड़े थे। देश में किसी भी दल ने अपने सहयोगी दल को इतनी पटक पटक के नहीं उसकी भी मरम्मत की है जितनी भारतीय जनता पार्टी करती है। कोई नहीं चाहता कि अब जब भारतीय जनता पार्टी की नाक कट गई है तो उस नकटी सरकार के साथ खड़ी रहे। एक कहावत है, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। आप देखिएगा आने वाले समय में बल भी चला जाएगा और इन लोगों का जो आपने कहा पटक पटक कर मरम्मत की, इसका क्या मतलब है घनश्याम तिवारी जी? 10 साल से नीतीश कुमार जी की पार्टी को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। 2020 में चिराग पासवान नाम के खंजर से नीतीश कुमार जी के पीठ में छुरा घोंपा गया था। उसके बाद रामचंद्र प्रसाद सिंह नाम के खंजर से छुरा घोंपा गया था। पूरे बिहार का डीएनए टेस्ट कराया गया था नीतीश कुमार जी के बारे में। अभिषेक झा घटिया बात कहना चाहेंगे? कोई अभिषेक जी तुलना नहीं की जा सकती। देखिए तिवारी जी तो इस तरह की स्क्रिप्ट कहेंगे ही, क्योंकि हमारी पार्टी के इतने बड़े शुभचिंतक है, इस तरह की बातें कह रहे हैं। कालांतर में नीतीश जी के खिलाफ साजिशें होती रही हैं, लोगों ने साजिशें की हैं, लेकिन चूंकि जनता की ताकत नीतीश जी के साथ है, इसलिए आज भी जब इतनी तरह की बातें हमारी पार्टी के विषय में कही जा रही थी कि जेडीयू का फ्यूचर क्या है, नीतीश जी किस हिसाब से पॉलिटिक्स करेंगे, आज भी बिहार की जनता ने अपने आशीर्वाद से साबित कर दिया कि बिहार में नीतीश कुमार, फिर एक बार नीतीश कुमार, बिहार की जनता ने इस बात पर मुहर लगा दी है। इसलिए अलग अलग साजिशों के विषय में नहीं सोचते हैं हम, जो हमारी टांग खींचने में लगे रहते हैं, हम यही समझते हैं कि कितना भी है तो हमसे अलग अलग साजिशों का आप जिक्र कर रहे हैं। मैं अखिल जी आपके पास आ रहा हूं, मतलब आप लोगों ने इंडिया अलायंस में इतना हर्ट कर दिया, दुखी हो गए नीतीश बाबू की, अब दोबारा आना ही नहीं चाहते? नहीं, इंडिया अलायंस का तो वो पार्ट थे शुरू में और उनका तो मुख्य योगदान था इंडिया अलायंस का गठन। पहली बैठक आपकी पटना में हुई, नीतीश जी वहां पर सबसे आगे थे। जी तो ये देखिए, चुनाव से पहले जो सीटों का बंटवारा और तमाम तरह की चीजें होती हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन जो प्रमुख विषय होता है कोई भी गठबंधन करने से पहले, वो होता है कि आपके विचार, आपके दिल, आपके मन मिलते हैं कि नहीं। तो मेरे ख्याल से नीतीश जी के जो विचार थे, आप अभी बात कर रहे थे, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे वो 50% कैप जो आरक्षण में लगाई हुई हो, तो हमारे विचार और नीतीश जी के विचार एक तरह के हैं। वो हो सकता है कि मैं बिल्कुल आखिरी कमेंट और मैं चाहूंगा कि बिल्कुल छोटा कमेंट रखें, समय की कमी है। प्रेम कुमार जैन जी, मैंने जातीय जनगणना की बात की, मैंने स्पेशल स्टेटस की बात की, मुस्लिम आरक्षण को लेकर के, उस कोटे को लेकर चंद्रबाबू नायडू का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, वो कह रहे हैं होना चाहिए। अब क्या होगा, अब जब केंद्र में आप आ गए? तो निसंदेह हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम 4% शेयर जो है मुस्लिम आरक्षण का देंगे। ये चंद्रबाबू नायडू साहब का वचन भी है और उन्होंने जो कहा है वो उसे करके दिखाएंगे। निसंदेह हम लोग इस पे बात करेंगे, लंबी बहस का मुद्दा है आपस में, लेकिन जो भी कार्य होगा वो विधि सम्मत होगा, विधि के साथ होगा, बगैर बिना किसी कानून के हम इस काम को नहीं करेंगे, लेकिन संभवतः ये काम हम कर लेंगे। और मैं तो एक ही बात बोल रहा हूँ कि हमारे बाकी पैनलिस्ट जो भी है अपोजिशन वाले जो हंसी उड़ा रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं, सिर्फ दो ही लाइन बोलूंगा कि जिस जिस पे भी ये जग हंसा है उसी ने तो इतिहास रचा है, और चंद्रबाबू नायडू साहब हमेशा इतिहास ही बनाते हैं और इतिहास बनाते रहेंगे। उनकी डेवलपमेंट की पॉलिसी हमेशा हिंदुस्तान के हर राजनीतिक दल के लिए एक सबक है, एक सीख है, एक प्रेरणा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहूंगा घनश्याम तिवारी जी, अब समय इजाजत दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। Z News।